एक घंटे बाद वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 40 सीटों पर 415 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। 39,18,000 मतदाता इन प्रत्याशियों की किस्मत का भाग्य का फैसला करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में आज मतदान का आखिरी दिन है। दांव पर कई वीवीआईपी उम्मीदवारों की किस्मत है। इसी बीच सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। रिपब्लिक भारत भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि अगर आप इन 40 विधानसभाओं में रहने वाले हैं तो अपने घर से निकलें कश्मीर के विकास की नई इबारत लिखने के लिए। अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। और बड़ी खबर यह भी आपको बता देते हैं कि इन 40 सीटों पर 415 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा 39 लाख से ज्यादा मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि तीसरे चरण का आज रण है जम्मू कश्मीर में। और आज आखिरी चरण का चुनाव, 415 प्रत्याशी 40 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। करीब 39,18,000 मतदाता हैं। मतदाताओं के लिए 5,030 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा वोटिंग सेंटर पर 20,000 से ज्यादा पोल कर्मियों की तैनाती की गई है। आप समझिए, पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, पूरी तैयारी कर ली गई है। 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है, सुबह 7 बजे का वक्त जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं 415 प्रत्याशी अपनी किस्मत आज आजमाने वाले हैं। और अगर उम्मीदवार मतदाताओं की बात करें तो 39,18,000 मतदाता जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं और वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। करीब 5,030 मतदान कर्मी बनाए गए हैं। 20,000 मतदान कर्मी आज मतदान कराने वाले हैं। तो 39,18,415 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला तय करेंगे। बिल्कुल अनूप, 415 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें, इन 415 प्रत्याशियों में से कई वीवीआईपी प्रत्याशी भी मैदान में हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और वो वीवीआईपी नाम कौन कौन से हैं? सज्जाद गनीलोन, खुर्शीद अहमद, देवेंद्र सिंह राणा, मुजफ्फर हुसैन बेग, एजाज अहमद गुरु मैदान में हैं। ये कई वीवीआईपी ऐसे हैं जिनकी किस्मत आज के इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। इनका राजनीतिक सियासी भविष्य क्या होगा, इसकी पटकथा आज इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता लिखने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि धारा 370 लगने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव यहां हो रहे हैं। 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। पूरी तैयारियां कर ली गई, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। लेकिन यह चरण खास क्यों है, यह आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। देखिए रिपोर्ट। नेताओं के वादों और जीत हार के दामों के बीच जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण का रण है। वो रण जिसके लिए सभी दलों के नेताओं ने चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, तो दूसरों की खामियों को गिनाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अंतिम चरण की बात करें तो 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें जम्मू की 24 और कश्मीर की 16 सीटें शामिल हैं। 40 सीटों के लिए 415 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक तीसरे चरण में करीब 39,18,000 मतदाता शामिल हैं। मतदान की निगरानी के लिए 20,000 से ज्यादा पोल कर्मियों की तैनाती की गई है। बीते दो चरणों की बात करें तो 18 सितंबर को पहले चरण में 61.38% मतदान हुआ। 26 अक्टूबर को दूसरे चरण में 57.31% मतदान। अब सबकी नजर आज की वोटिंग पर है। वहीं 7 जिलों की 40 सीटों की बात करें तो जम्मू में 11 सीटें, बारामूला की 7 सीट, कुपवाड़ा की 6 विधानसभा सीट, कठुआ की 6 विधानसभा सीट, उधमपुर की 4 सीटें, बांदीपुरा की 3 सीट, सांबा की 3 विधानसभा सीटें शामिल हैं। टेरर फ्री और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी चुनावी इलाकों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और वाहनों के लिए जीपीएस की व्यवस्था है।
जम्मू कश्मीर का ये चुनाव कई मायनों में खास है, जिसमें सबसे अहम अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने के बाद पहली बार यहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आज का कश्मीर बदल चुका है, युवा विकास की बात कर रहा है तो बुजुर्ग पहले के हालातों को याद कर बदलाव को महसूस कर रहे हैं। इस आखिरी चरण के बाद सबकी नजर 8 अक्टूबर पर होगी, जब चुनावी नतीजे सामने होंगे और तभी ये साफ होगा कि 10 साल बाद हुए चुनाव का सिकंदर आखिर कौन बना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, तीसरे चरण का मतदान अब से बस कुछ मिनट बाद शुरू होने वाला है, लेकिन सबसे अहम और सबसे खास इस बार बीते दो चरणों के वोटिंग प्रतिशतता है, क्योंकि अगर इन प्रतिशतों पर नजर डालें तो ये बताने के लिए काफी है कि पहले फेज में 61.38% और दूसरे फेज में 57.31% मतदान हुए हैं। तो यानी कि अब आज के इस चरण में सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें आज ही के इस चरण में जो है उन पर मतदान होना है। 40 सीटें हैं 7 जिलों की जिन पर आज मतदान होना है, इनमें से सबसे ज्यादा जम्मू संभाग की सीटें हैं और यही वजह है कि बीजेपी के कोर वोटर इन तमाम जिलों में मौजूद हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि बीजेपी इन लगभग सभी सीटों पर बहुत मजबूत है और विपक्ष के लिए ये सीटें जो हैं वो चुनौती बनने वाले हैं। यानी कि आज वोटिंग प्रतिशतता कितनी होगी इस पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी। ये तीन तस्वीरें, पहला फेज, दूसरा फेज और आज तीसरा फेज।